गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ चैप्टर ग्लोरियस इंडिया 1206 सीई के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट थर्ड यहाँ से शुरू होगा, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी वैदिक रिलीजन्स हैं, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में इसमें बताया गया है, और एक चीनी यात्री जो था, कौन, हाँ, चीनी यात्री फायान जो था वो इस समय में भारत आया। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व रहा। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे और समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान भी किए। ठीक है, और उन्होंने बुद्ध और जैन धर्म को जो है वो आश्रय दिया, ये सबसे बड़ी विशेषता थी इनकी। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान जो था वो भारत आया। इनकी एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी जो राजकाज की भाषा थी, ठीक है ना, वो यानी इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था वो टोटली इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो गुप्त काल में आर्यभट्ट, वाहर मिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है ना, तो कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द गुप्त डायनेस्टी के अंदर जो है यानी गुप्त वंश ने सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर के काफी बड़ा अपना योगदान दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट है हमारा सोसाइटी इन द गुप्त पीरियड, यानी गुप्तकालीन जो समाज था वो कैसा था। ठीक है ना, यानी उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज थी सोसाइटी के अंदर, कैसी कंडीशंस थी, ह्यूमन कंडीशंस में वुमन कंडीशन कैसी थी। ठीक है ना, इस बारे में जो है वो बताया गया है। तो कहा जाता है कि गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से चार वर्णों में बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था, ठीक है ना, जो अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ दान के कार्य किया करते थे। ठीक है ना, दूसरी अगर बात करें तो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण का एक ही कार्य था, राष्ट्र की रक्षा करना। ठीक है ना, और फिर एक वर्ण था वैश्य। वैश्य वर्ण का कार्य था कि जितने भी व्यापार और वाणिज्य के कार्य हैं उनको लेकर के जो है वो कार्य करना। ठीक है, और चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के अंदर जो था वो सेवा प्रदान करना, यानी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना, जितने भी सैनिटाइजेशन वर्क थे वो सारे के सारे जो है वो शूद्र के सेवाओं में आते थे। अच्छा, गुप्त काल के विषय में अगर हम बात करें तो व्यवसाय का जो बंधन था वो बड़ा शिथिल था, यानी कमजोर था। ठीक है ना, यहाँ स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमन इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वंश में, इस गुप्तकालीन सोसाइटी के अंदर जो है वो जितने भी सोशल वर्क हुआ करते थे, सोशल वर्शिप हुआ करती थी, ठीक है ना, यानी धार्मिक कार्यों के प्रति जो है पत्नी को पति के बराबर जो है वो स्थान दिया गया था, और पत्नी की किसी भी पूजा पाठ में जो थी वो भूमिका उस पति के बराबर थी। साथ ही स्त्री शिक्षा को लेकर के काफी प्रचलन था, किसी प्रकार का कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, और उस समय 8 प्रकार के विवाहों का सबसे बड़ा प्रचलन था। तो अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन समाज में जो है वो स्त्रियों की भूमिकाएं काफी
अच्छी रही, यानी कंडीशन जो थी वो काफी अच्छी रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्धन वंश की, वर्धन डायनेस्टी के बारे में, या हम कह सकते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्थितियां शुरू होती है 6वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 6th सेंचुरी के अंदर ये जो है वो शुरू हुई। ठीक है ना, और ये लॉर्ड शिवा के जो है ये उपासक हुआ करते थे, यानी भगवान शिव को ये बहुत बड़ा मानते थे, और इस वंश का इसी तरह से प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 प्रकार के महान राजा हुए, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और तीसरा है हर्षवर्धन। ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 CE में उसका वध कर दिया गया। ठीक है ना, और जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा राज्य की स्थिति बड़ी ही संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उनके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला और उनकी छोटी बहन राजश्री के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे किसी अज्ञात स्थान पर जो है वो भेज दिया गया। तो ये काफी इम्पोर्टेंट, यानी हर्षवर्धन जो था इज वेरी इम्पोर्टेंट इन दैट पीरियड। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो हर्ष के साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो उत्तर भारत के हिमाद्री पर्वतों, दक्षिण के नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजान के पश्चिम वल्लभीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। ठीक है ना, नहीं कहने का मतलब हर्ष ने जब महाराजा अधिराज की पदवी को धारण किया, ठीक है ना, उस समय भी वह शिव और सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। इसके काल में भी चीनी यात्री हेनसांग भी इस प्रकार 6वें महोत्सव में शामिल होने के लिए आया। तो ये थी वर्धन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है बेटा, जैसा कि हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो हर्षवर्धन एम्पायर जो था वो देखिए इंडिया और इंडिया के किन किन क्षेत्रों के अंदर जो था वो फैला हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो आपको सेफ्रॉन कलर का दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो एरिया है ये हर्षवर्धन एम्पायर के समय में था। और किंग हर्षवर्धन की मूर्ति से पता चलता है कि वो दिखने में कैसे थे। ठीक है, नाउ वी टॉक ऑन पाल डायनेस्टी। अब हम पाल वंश के बारे में बात करते हैं कि इसकी बिगनिंग कब हुई, कब, ठीक है ना, और किस सीई से किस सीई तक जो है ये चली। ठीक है ना, तो पाल डायनेस्टी के बारे में बात करें, इस वंश का जो स्टार्टिंग था वो बंगाल से शुरू हुआ और लगभग 750 CE में गोपाल जो था उसे माना गया। पाल वंश का दूसरा जो शक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा हुआ, राजा शक, ठीक है ना, किंग शक के बारे में हम बात करते हैं। उसने अपना राज्य कन्नौज विस्तृत किया और प्रतिहारी तथा राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणात्मक संघर्ष भी किए और उसे बिल्कुल सुरक्षित रखा। ठीक है ना, यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष का मतलब तीनों ओर से जो आक्रमण हो रहे थे उन तीनों ओर से आक्रमणों पर जो है इसने अपने राष्ट्र की या रक्षा की। अब हम अगर बात करें तो इनका जो 9th किंग था, किंग नंबर 9 राजा महीपाल फर्स्ट ने राज्य काल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम को लगभग 1023 CE में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया और 12वीं सेंचुरी के मध्य पाल वंश की शक्ति जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, एक पालवंशी राजा जो थे ये
जो आर्ट और कल्चर को लेकर के काफी जो थे वो पॉपुलर थे, ठीक है ना। और उन्होंने धीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पों को संरक्षण दिया। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें तो पाल जो युग था, उस पाल युग के अंदर काफी जो है वो वाटर स्पेस बनाए गए, ठीक है ना, जलकुंड बनाए गए, ठीक है ना। और उसे दीनापुर जिले में आज भी जो है वो वाटर प्लेसेस जो है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो 736 CE से जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और इसको जो एस्टेब्लिश करने वाला जो राजा राजवंश था वो दंती दुर्ग में किया गया, ठीक है ना। इस वंश में जो थे, इस डायनेस्टी में जो है टोटल 14 किंग्स जो है वो हुए, ठीक है। अब अगर हम आगे इसके बारे में कुछ जानकारी दें तो राष्ट्रकूट वंश के अंदर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर जो राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणी और चालुक्यों के द्वारा हुआ, ठीक है ना। यानी इनको लाने वाला, ठीक है ना, इनका जो बिगनिंग या करने वाला जो था वो कौन था, पराभव, ठीक है। चालुक्य शासक तैलब ने 973 CE में इस वंश को कर्कदित्य को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ के साहित्य के पोषक थे। और अर्गोन ने इस वंश के शासकों को वल्लराज के नाम से जो है वो संबोधित किया, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों इंपॉर्टेंट रहा, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है ना। इस वंश की स्थापना करने वाला कौन था, नाग भट्ट। कौन था, नाग भट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 CE में गुजरात में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। और इसका नाम गुर्जर प्रतिहार रख दिया गया। नागभट प्रथम बड़ा ही वीर योद्धा था, ठीक है ना, बहुत ही ब्रेव था वो। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया। और वत्सराज ने इस अरबों के आक्रमण को जो है वो अपने वंश के शासक के साथ, जिसने सम्राट की पदवी को भी धारण किया, तो ये सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट था। उसके वंशज जो थे ना वो कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में 1018 टू 1019 CE में जो है वो वहां पर शासक रहे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट जो एम्परर था उनका वो महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नामक नाटक का जो था वो राइटर था, ठीक है ना। और ग्रेट पॉइंट राजेश्वर का ये शिष्य, या हम कह सकते हैं संरक्षक, ठीक है ना, एज ए गार्जियन जो है वो कहलाया करता था। उसके बाद में इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के अंदर जो है महमूद गजनबी ने भी काफी हमले किए, ठीक है ना। और कन्नौज का जो शासक राज्यपाल था उस समय महमूद गजनबी जो था वो अटैक करने के लिए आया, ठीक है। राज्यपाल बिना लड़े वहां से भाग गया। और बाद में महमूद गजनबी ने जो था वो अपना रूल जो है वहां पर चलाना शुरू कर दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम और बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने अरबों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने नहीं दिया। ये इनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी। आप देखिए जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है ना, ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रही है, ठीक है ना, इस डॉट 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 लाइन तक
जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है ना। और जैसे ये अरब और इस साइड से जो भी, ठीक है ना, अफगानिस्तान वगैरह साइड से जो भी मोमडन्स या मुगल जो आए, ठीक है ना, उनको इन गुर्जर प्रतिहारों ने इस क्षेत्र के अंदर आने नहीं दिया, इसका पूर्ण रूप से रक्षा की। अब हम आगे बात करें तो चोल डायनेस्टी जो कि नॉर्थर्न चोल रीजन से जो थी वो जुड़ी हुई थी, चोल वंश जो कि उत्तर पूर्वी चोल राज्य कहलाता था, ये एक प्राचीन दक्षिण पथ यानी साउथ के तीन प्रमुख राज्यों में से एक था, ठीक है ना। इट हैज टू मोर स्टेट्स, पांड्य और चेर, ठीक है ना, और केरल जिसको हम केरल के नाम से भी आज जानते हैं। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बताया गया है, ठीक है ना। करिकाल यानी लगभग 100 CE की अगर हम बात करें तो चोल वंश का एक राजा हुआ करता था जिन्हें पुहार या पुगार नगर की नींव डाली, ठीक है ना। इस चोल डायनेस्टी के अंदर चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य जो अप्रोक्सीमेट 880 CE से 907 CE तक जो है उन्होंने पल्लव नरेश को अपराजित करके हराया। पल्लव का जो किंग था जिसका नाम अपराजित था, ठीक है ना, उसे डिफीट किया। चोल राजा प्रथम ने, जो चोल राजा फर्स्ट जो था 985 CE से 1013 CE तक कंप्लीट मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहलपद जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत को एक छत्र सम्राट में बदल दिया, यानी उसे पूरा कंप्लीट अपने एरिया के अंदर जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम जो कि 1016 CE से 1044 CE तक जो उन्होंने अपने पास में एक नेवी, ठीक है ना, हाँ नौसेना भी रखी, ठीक है ना, उसका जो सन था, उसके जो पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र फर्स्ट जो 1016 से 1044 में जिन्होंने अपने पास में नेवी को रखा, उसने आगे जाकर के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उनको भी अपने जो है अधीन कर लिया। इस प्रकार अगर हम कुलोत्तुंग और चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की और चोल डायनेस्टी ने जो है वर्षों तक जो है शासन किया। फिर अगर हम बात करें चोल एडमिनिस्ट्रेशन की तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। चोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था, यानी प्रशासन की जितनी भी सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य को 6 भागों में बांटा गया था जिसे मंडलम कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक मंडलम में जो है वो अपनी कह सकते हैं एक फ्रीडम प्राप्त थी, लेकिन राजा जो था वो उसके ऊपर कंट्रोल किया करता था, ठीक है ना, और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के रूप में राजा ही जो था वो रूलिंग करने का काम करता था। और एज अ टैक्स और रेवेन्यू की बात करें, ठीक है ना, एज अ टैक्स और रेवेन्यू की बात करें तो जो भी फसल हुआ करती थी, जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप हुआ करती थी उसका 6th पार्ट जो है वो राजा को एज ए रेवेन्यू जो है उन्हें पे करना पड़ता था, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है अगर हम बात करें तो चोल आर्ट की, चोल कला की अगर हम बात करें तो उस समय चोल
ने पल्लवों की स्थापना कला को आगे बढ़ाया। चोल की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं कि वे वर्गाकार थे, ठीक है ना, मंडप था, गोपुरम था, ठीक है ना, कलापूर्ण स्तंभ जो है वो बने हुए थे, यानी जो स्तंभ थे, ठीक है ना, पिलर्स जो थे, उन पिलर्स के ऊपर जो है वो काफी अच्छी डिजाइंस जो है वो हुआ करती थी, और बड़े सजावट के साथ में इन स्तंभों को जो है वो खड़ा किया जाता था। यानी जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना वो टोटली डिजाइन हुआ करते थे, ठीक है ना। चोल युग की जो नटराज की जो मूर्ति है, वो कांस्य की मूर्तियों में सर्वोत्तम मानी गई, और मंदिरों की जो गोपुरम शैली है उसका विकास अगर हम देखें तो वो चोल आर्ट के समय मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए ये हमें चोल डायनेस्टी से पता चलता है। देखिए आज भी हमारे मंदिर जो हैं वो इस प्रकार से देखे जाते हैं, और ये वो कॉपर की नटराज की मूर्ति है जो चोल कला के समय का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं चोल सोसाइटी के बारे में। चोल सोसाइटी जो थी ना, चोल राजा जो था ना वो शैव धर्म यानी अनुयायी था, यानी भगवान शिव के उपासक थे, और राजा अधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का इसमें उल्लेख किया गया। इस समाज में स्त्रियों को जो है वो संपत्ति माना गया, ठीक है ना, और जो लेडीज थी उन लेडीज को जो है वो स्वामित्व की जो पदवी है या कह सकते हैं स्वामित्व का जो भार है वो दिया गया, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि चोल डायनेस्टी के समय जो है वो लेडीज को जो है वो काफी प्रायोरिटी दी गई, और दास और देवदासियों की जो कल्चर था वो भी उस समय काफी प्रचलित था, ठीक है बेटा। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 में आपका इंतजार रहेगा। हैव अ नाइस डे।